ومنكر فضائلهم ومخلف دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان زاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں ارباب کرم خلقت جن و انس یوں ہی نہیں ہوئی جب خداوند عالم نے جن و انس کو خلق کیا ہے تو اس خلقت کے مقصد کو جو بھی جان لیا پس وہی آخر قرار دیا جائے گا جیسے نماز کے لیے یہ شرط ہے بالغ اور آخر خادم بچوں کو وہی سمجھانا چاہتا ہے جو اپنی خلقت کے مقصد کو پہچان لیا اور اس پر عمل کیا تو گویا وہ آخر ہو گیا جب ایسا انسان آخر ہوا اب اس کا یہ فریضہ بنتا ہے فوراً اللہ سے قریب ہو جائے اللہ سے قربت کے لیے جو سب سے اہم ترین عبادت ہے تو وہ ہے نماز تو قربت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خلقت کے مقصد کو نہ پہچانے بار بار فراز منبر سے اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو میرے بچوں میرے نوجوانوں اس بات سے پہلے آشنا ہو جاؤ کہ ہم کو کیوں خلق کیا گیا ہے اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کہنا ہوگا کہ خلقت کا مقصد ہے عبادت قرآن کے ہم ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھے جس دن قرآن کا نقطہ سمجھ میں آ جائے گا گویا ہم بھی مفسر قرآن ہو جائیں گے تو ہم قرآن کے نقطے کو نہیں سمجھے کہ جو ایک نقطہ ہے دیکھنے بھر نقطہ ہے مگر ہم نہیں سمجھے اس نقطے کو جو سمجھ جائے پس وہی مفسر قرآن ہو جائے اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن کے ساتھ مفسران قرآن کو دیا کہ دیکھو قرآن تا قیامت رہنے والا ہے اب یہ منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے بلکہ ناسخ ہے جب قرآن اللہ کا کلام ہے
तो इसका मुफस्सिर बस वही हो सकता है जो लिसानुल्लाह हो। लिसानुल्लाह ही की जुबान को जब हरकत हुई तो वो कलाम खुदा बन गया। इसीलिए पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं वही मुफस्सिर कुरान होगा जिसके जुबान की हरकत से आयत कुरानी जाहिर हुई। हमको पैगंबर इस्लाम ने ऐसे यूं ही नहीं छोड़ा, उलमा के दरमियान छोड़ा, मगर हम ये नहीं जाने कि आलिम का इतलाक किस पर होता है। आलिम का इतलाक सिर्फ व सिर्फ उसी पर होता है कि वो किसी मंजिल में वल्ला हो आलम न बोले। इसी को आलिम हकीकी कहते हैं। हाँ, जब हम कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं तो उस पर भी इतलाक आलिम हुआ, मगर मजाजन है, मुतलकन आलिम नहीं। जैसे बच्चे को जब इब्तदाई क्लास में दाखिला दिलाया जाता है, दूसरी जमात में उस वक्त तक वो नहीं आ सकता जब तक के पहली जमात का कोर्स मुकम्मल न कर ले, उसमें कामयाब हो जाए। कामयाब होने के बाद दूसरी जमात में दाखिला दिलाया जाए। जब दूसरी जमात में दाखिला दिलाया गया तो पहली जमात का कोर्स उसमें नहीं है, दूसरा है, बदला हुआ है, वजह उसमें कामयाब हो गया। तो पता चला वो जो केजी का मुअल्लिम था, तालिबे केजी का जो तालिबे इल्म था, वो उस हद तक आलिम हुआ। अगर वो अव्वल अव्वल इल्म को हासिल कर लेता तो दूसरी जमात ना होती, फिर तीसरी जमात ना होती, चौथी ना होती। तो पता चला तदरीजन जहाँ इल्म बढ़े उसको मुतलकन आलिम नहीं कहते। और आलिम का इतलाक उसी पर होता है जो बग़ैर वसीला रहनुमाई करे, बग़ैर वसीला यानि आलिम के लिए वसीले की एहतियाज। बुलंद हुआ शिया फिरकों से मुखा बर्दाश्त कर सकते हैं। जुमला सुनो, वो रहमान रहीम ना हो और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को जाहिर करने के बावजूद आलिम बरहक है, आलिम मुतलक है। मुतलक बारहा कहा जा सके जिसकी जिद नहीं। नहीं तो पता चला अल्लाह को भी वसीला नहीं बनाए। इमाम अल्लाह को वसीला नहीं बनाया, बल्कि ये वसीले मारिफत रब है। इमाम खुद वसीले मारिफत रब है। वसीला छूट जाए हकीकत ना मिले, हकीकत न मिलने पाएगी। तो खादिम यह मारूजा कर रहा था कि कुरान के साथ पैगंबर इस्लाम ने मुफस्सिरान मुफस्सिर नहीं मुफस्सिरान कुरान को दिया, क्योंकि कुरान ता क़यामत रहने वाला है। हर ज़माने में एक इमाम रहेगा,
हर जमाने में, यानी जमाने के एतबार से कुरान नहीं बदलेगा, कुरान वही होगा जो मुनज़ल मिन अल्लाह ता क़यामत तक, यही कुरान है। हाँ, मुफस्सिरान कुरान जमाने के एतबार से बदलते जाएंगे, बदलेंगे ज़रूर, मगर इनकी भी हकीकत एक होगी, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी अव्वल जो तफसीर करे, अव्वल जो तफसीर करेगा, दूसरा भी वही तफसीर करेगा, तीसरा भी वही तफसीर करेगा, और तफसीर मुताबिक़े अक्ल साइल है। साइल की अक्ल को पेश नज़र रख कर तफसीर की जाती है, इसीलिए एक एक आयत के कई एक तफासिर है। जैसा साइल, जैसी अक्ल, उसके एतबार से तफसीर, उसके एतबार से तफसीर। तो पता चला मुफस्सिर कुरान वही होता है साइल की अक्ल को साइल के इतने मोहताज हैं कि हम उस वक्त तक जवाब नहीं दे सकते जब तक के साइल सवाल न करे। ऐसे कई एक वाक़यात मौजूद हैं, ऐसी रिवायतें हैं किताबों में कि लोग पढ़ते नहीं, दर इस्मत में साइल आया सवाल करने के लिए, इमाम कह रहे हैं तेरा क्या सवाल है, तू बोलेगा या मैं बोलूं? या अल्लाह, तो पता चला साइल के सवाल से भी जो वाकिफ हो उसको आलिम मुतलक कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहा गया ऐसे की तकलीद करो जो मुतलकन आलिम है। दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में। नहीं नहीं, बाबा से बुलंद पढ़े हैं, तो देख रहे हैं क्या पढ़ना है। अभी तो मैं अरे मजमे की मिजाज को पड़क रहा हूँ, वो क्या सुनना चाहते हैं, कहाँ तक सुनना चाहते हैं। अभी मैं जिक्र का आगाज़ नहीं करा, तो तमीदन चंद कलिमात खादिम ने पेश किए हैं। मुफस्सिर कुरान और कुरान आलिम अलीयुन माल हक वल हक मा अलीयुन, अली हक के साथ और हक अली के साथ, यहाँ इसीलिए वल्लाहु आलम नहीं। हाँ, इसीलिए वल्लाहु आलम नहीं। आप आलम समझकर सवाल किए, जवाब के बाद वल्लाहु आलम लमे फिक्र है, किसके लिए? मुखल्लिद के लिए। वाज़े लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर, फिर भी आप उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। अजी, जो अल्लाह जानता है वो पूछो, जो अल्लाह जानता है वो जवाब दो। अगर आपका जवाब मुताबिक कुरान होता, वल्लाहु आलम ना लिखते। क्या ना लिखते? वल्लाहु, अल्लाह जानता है। लिखना खुद इस बात की दलील है कि यह मुताबिक कुरान नहीं है, मुताबिक कुरान नहीं है। और यहां इमाम वही कहता है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है वो इमाम कहते हैं। इसीलिए पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं ऐ लोगो, तुम्हारे दरमियान में अली को छोड़ रहा हूँ जो मेरे मिसल है, अल्लाह के मिसल नहीं है, अल्लाह के मिसल नहीं है, अल्लाह का कोई मिसल नहीं, अल्लाह की कोई नज़ीर नहीं, अल्लाह की कोई ज़िद नहीं है। तो पैगंबर इस्लाम करें मैं तुम्हारे दरमियान अपनी नज़ीर को छोड़े जा रहा हूँ, अपनी मिसल को छोड़े जा रहा हूँ, मेरे जैसे को छोड़े जा रहा हूँ। तुम्हारे मसाइल में इसकी तखलीक करो,
वे भी हदीस नहीं मिली। बड़े वाज़े लफ्ज़ों में, और इत्तेफाक की बात यह है कि मैदान की हदीस है, घर की नहीं। मैदान में आई है यह हदीस। वे कहते नहीं भाई, घर की बात है, हम नहीं जानते। नहीं नहीं, मैदान में है। इत्तेफाक की बात यह है, मैदान की बातें ही भूल गए। जिस तरह सुनना चाहते हैं सुनो, मैं वैसे ही पढ़ूंगा। मैदान की बातें भूल गए। मैदान की बात थी ना, मनकुन तो मौला भूल गए। मैदान की बात थी ना, फहाजा अली मौला भूल गए। मैदान ही की बात थी ना, फलीबल्ले वो शाहिद वल गायब। मैदान ही की बात थी ना, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, वादे मन आदा, वंसुर मन नसरा, वग़ज़ुल मन खज़ला। तो पता चला अली को जो छोड़ दे खुदा पर, वाजिब हुआ उसको छोड़ना। अली की जो नुसरत कर दे खुदा पर, वाजिब हो गया उसकी नुसरत करना। अली से जो मोहब्बत करे खुदा पर, वाजिब हुआ उससे मोहब्बत करना। जब वो मोहब्बत कर लेता है, जब वो मोहब्बत कर लेता है, तो अब कान तुम्हारे नहीं है, आँख तुम्हारी नहीं है। या अल्लाह, न तुम्हारी आँख रही, न तुम्हारे कान रहे, ना तुम्हारे खत्म रहे। क्यों? मोहब्बत की बुनियाद पर। जब खुदा तुमसे मोहब्बत करे, तो अब कान तुम्हारे नहीं रहे, किसके हो गए? अल्लाह के हो गए। आँख तुम्हारी नहीं रही, किसकी रही? कहना होगा अल्लाह की। इसीलिए हदीस में आया, मोमिन जब देखता है तो नूर खुदा को जरिया बनाता है, नूर खुदा को जरिया बनाकर देखता है। क्योंकि खुदा मोहब्बत कर रहा है। जब खुदा मोहब्बत अव्वले अव्वल जिसको खुदा खल्क करे, तो इश्क़ी इश्क हो, तो अब इसका वजूद क्या होगा? है तुमसे मोहब्बत कर ले तो तुम्हारी कान तुम्हारे नहीं रहे, अल्लाह के हो गए। तुम्हारी आँख तुम्हारी नहीं रहे, अल्लाह के हो गए। तुम्हारे कदम तुम्हारे नहीं रहे, अल्लाह के। अल्लाह कह रहा है हदीस, हदीस कुर्सी है, कल मैंने पढ़ी थी। तो ये कदम तुम्हारे नहीं रहे, अल्लाह के हो गए। तो अब ये कदम तुम अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। या अल्लाह, तुम अपनी मर्जी से क्यों? अल्लाह कह रहा है वो मेरे हो गए, मेरे हो गए हैं। दुरूद का तोहफा पेश करें बाबा। जो अब जो हबीबुल्लाह है उसका वजूद किसका हो गया? जो हबीबुल्लाह है उसका वजूद किसका हो गया? जो इंदल्लाह अहब है, जो इंदल्लाह अहब है, वो वजूद किसका वजूद हुआ, किसका हो गया? इसीलिए तो ये अव्वल मखलूक ने अपनी नफी कर दी। अव्वल मखलूक अपनी नफी कर कर ये कह रही है, अब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वो है ला इला। दुरूद का तोहफा पेश करें बाबा से बलान। करा जाऊं फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ, अपनी खिलकत के मकसद को जो पहचाना वो क्या हो गया? आखिर हुआ। 15 बरस में भी आखिल नहीं होते। अगर कोई कह रहा है 15 बरस में आखिल है, गलत। 15 बरस में आखिल नहीं होते। अरे नहीं, 15 बरस के हो गए, नमाज वाजिब नहीं हुई, ये क्या होगा? मैं आखिल हूँ, नहीं हुए। वजह
اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں پہچانے، نہ خلقت کے مقصد کو پہچانے نہ اس پر عمل کیے، تو پھر عاقل کیسے ہوئے؟ عاقل کیسے ہوئے؟ اور جو خلقت کے مقصد کو پہچان لیا وہی تو بندگی ہے، وہی بندگی ہے. نہیں نہیں، مجھے حدیث پیش کرنی پڑے گی. اے امام رضا غریب علیہ السلام والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اول بندگی ہے معرفت. کیا ہے اول بندگی؟ معرفت ہے. اول بندگی نماز نہیں ہے، اول بندگی ہے معرفت. نتیجہ معرفت ہے لا الہ الا اللہ، نتیجہ معرفت ہے لا الہ الا اللہ. تو اول بندگی کیا ہے؟ معرفت. اب پڑھو قرآن کی آیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے، عبادت سے مراد کیا ہے. تو آٹھویں امام سہارا بنے، وہ کہہ رہے ہیں اول بندگی معرفت ہے. جب یہ عبادت عبادت خدا ہو گئی، اسی لیے تفکر و ساعت افضل من عبادت سخلین ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایک ساعت کا تفکر سخلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. آپ ساری زندگی نماز پڑھ لیں، ساری زندگی روزے رکھ لیں، ساری زندگی حج کرتے رہیں، ساری زندگی زکوٰۃ ادا کریں، ساری زندگی قوم سے، سب کے سب عبادات ہے، سب کے سب عبادات ہے. مگر یہ کہ ایک ساعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ساتھ کا یہ عبادتیں مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی 60 برس کا ہے، کوئی 65 برس کا ہے، کوئی 70 ہے، کوئی 80 ہے، -14-15 ایئرس سے نماز، کتنے برس نماز پڑھے، کتنے برس روزے رکھے، کتنے برس حج کیے، پتہ چلا کہ آپ کی 80 برس کی عبادتیں بھی ہیں مقابلہ نہیں کر سکتی ایک گھنٹے کا. ایک ساتھ کا مقابلہ نہیں. یہی سبب ہے جو حقیقت بندگی سے واقف ہے، حقیقت بندگی سے جو واقف ہے، قیام چھوڑ کر، رکوع چھوڑ کر، سجدے چھوڑ کر، قیام چھوڑ کر، رکوع چھوڑ کر، سجدے چھوڑ کر، ذکر علی میں شرکت کرتا ہے. درود کا توبہ پیش کریں بابا. بار واضح ہو رہی ہے، خادم کیا معروضہ کرنے جا رہا ہے. اور جو عاقل نہیں ہے وہ فرش ادا کو چھوڑ کر، فرش ادا کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے بھاگتا ہے. کیوں؟ کہ عاقل نہیں ہے، عاقل نہیں ہے. دیکھیں، جب کوئی دو چیزیں آپ کے حد نگاہ میں آئیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہتر کون سی ہے، تو پتہ چلا بہتر کو لیتا ہے عقل مند. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو عاقل نہیں ہے وہ بھاگتا ہے، ہاں جو بہتر ہے وہ قبول کرتا ہے. ملائکہ معصوم جماعت قیام کو چھوڑ کر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اول بندگی ہے معرفت، اول بندگی ہے معرفت. قیام سے افضل ہے، رکوع سے افضل ہے، سجدے سے افضل اگر ہے تو معرفت ہے. سوال یہ پیدا ہوا، کس کی معرفت؟ اس کی معرفت. بڑا آسان ہے کہنا ان المومن حیون فی الدارین، ان المومن حیون فی الدارین، مومن ہر دو مقام پر زندہ ہے. کیسے زندہ؟ زندگی کیسے؟ پڑھو تو پھر خاموش نہیں رہنا. ایک درود میں
میں نہیں سناؤں گا۔ توحید سے حیات نفس ہے۔ توحید سے حیات نفس ہے تو پتا چلا توحید کے سبب آپ کا نفس زندہ ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ۔ چکتا ہی لفظ بتا رہا ہے کہ نفس پر بھی موت ہے، نفس پر بھی موت ہے، مگر معصوم کہہ رہے ہیں ایک توحید ایسی چیز ہے جس کے سبب نفس کو موت نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بلند۔ غلط موضوع چھوڑ دی، چھوڑ دیا، سوائے ایک مادود چند کے سب خاموش ہیں۔ شاید میں سمجھ رہا ہوں غلط عنوان چھیڑ دیا میں چاہ رہا تھا کچھ پڑھوں، مگر آپ حضرات مجھے عنوان چینج کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر عنوان تبدیل بھی کر دوں تو علی ہی بولوں گا، یہ سننا ہے۔ علی سے ہٹ کر مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا مجھے، سوائے علی علی کہنا آتا ہے، اس کے سوا میں کچھ سیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک علی کے سیکھنے سے سب کچھ مل گیا، ہر چیز ہر خود مل گئی مجھے۔ یہ ہے عشق علی کا اثر، عشق علی کا اثر ہے۔ ارے کم از کم، کم از کم مہندی کے جھاڑ سے سمجھو یار، اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مہندی مہندی کا جو جھاڑ ہے نا، کل کی تقریر کتے سے سمجھایا، اب آج مہندی سے سمجھاؤں گا۔ آپ سے پست ہے یا علی؟ لیجئے پست، سب سے پست نو ہے پتھر، اس سے اونچی نو ہے شجر، شجر سے اونچی نو ہے جانور، جانور سے اونچی نو ہے انسان۔ اللہ، یہ ہے انواع، چار انواع ہے، چار انواع ہے۔ یہ جو پہنے ہیں یہ پتھر ہے، کیا ہے؟ پتھر اقرار کرے تو فضیلت آ دے۔ کیسے سمجھائیں؟ قرآن سے سمجھا رہے ہیں، حدیث سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پتھر نے اقرار ولایت کیا، نہیں 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 ہمیں بھی آتا ہے۔ ہاں جو خاموش بیٹھے ہیں ان میں بھی ہم آج اگر عشق ہے تو قوت نطق پیدا کریں گے۔ ہاں ذکر کا یہ اثر ہے، انشاءاللہ تعالی میں پیدا کروں گا آج۔ ایسے کیا ہے عقیق نے کیا کیا، کیا کیا؟ یہ پڑھی ہوئی بات سنی ہوئی بات، میں پڑھی ہوئی بات سنی ہوئی بات سنانے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ نہ میری پڑھی ہوئی تھی نہ آپ کی پڑھی ہوئی ہے، نہ آپ کی سنی ہوئی ہے نہ میری سنی ہوئی ہے۔ اب آج میں پڑھا، ممبر سے مجھے اللہ نے پڑھایا، جب میں ممبر پر آیا تو اللہ نے پڑھایا، میں سناؤں آج کیا کیا اس پتھر نے اقرارے۔ ارے بھائی یہ ولایت کتنے کلمے ہیں، ایک یا تین؟ تین ہیں۔ کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ جب پہلے اس پتھر نے لا الہ الا اللہ بولا، اس عقیق نے پہلے لا الہ محمد ار نہیں، صرف اقرار پتھر سمجھا، پتھر سمجھ گیا ایک اقرار ولایت سے از خود دونوں کلمے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے نا حجر سب سے پست لیجئے، وہیں سے آ رہا ہوں میں، وہیں سے گفتگو کر رہا ہوں، وہیں سے گفتگو کر رہا ہوں۔
تو چنانچہ یہ عقیق نے کیا کیا؟ اقرار ولایت کیا ہے، اقرار ولایت کر لیا، اثر آیا، اثر لذات ہی نہیں آیا، تھوڑا بولے جس کے بعد سمجھ میں آئی وہ بولے، یہ اثر لذات ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اثر پہنچا رہا ہے، یعنی ایک پتھر اثر پہنچا رہا ہے اقرار ولایت کے سبب، درود کا تحفہ پیش کرے بابا، رکعتوں کا ثواب بھی بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا یا نہیں بڑھا؟ کس نے بڑھایا ثواب؟ آپ میں تو اتنی قوت نہیں تھی کہ آپ ثواب بڑھا لیتے، اپنے نمازوں کا ثواب بڑھا لیتے، آپ کی رکعتوں کا ثواب بڑھا لیتے، ہیں آپ میں قوت نہیں ہے، تو پتا چلا ایک پتھر جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے چھوٹی نو آلہ کو فیضیاب کر رہا ہے، اثر عطا کر رہا ہے، یعنی اب آپ کی یہ چار رکھتے ہیں چار نہیں ثواب بڑھا، ارے بھائی کیسے بڑھا؟ تو بولے عقیق پہن لیا، جب عقیق پہن لیا تو عبادتوں کا ثواب بڑھ گیا، عبادتوں کا ثواب بڑھا، بڑی بے نیازی میں یا اللہ، بڑی بے نیازی میں یہ عقیق، یہ عقیق اثر سے فیضیاب کر رہا ہے، تو یہ اثر اقرار ولایت کا لذات ہی نہیں رکھا، یا اللہ لغیر ہی ہو گیا، آلہ کو فیضیاب کر رہا ہے، اب پتھر ہے، پتھر ہے فضیلت سن کر بولتا ہے، پتھر فضیلت سن کر وہ بھی بولتا ہے، تو پتا چلا، پتا چلا جو سب سے چھوٹی نو ہے اگر اس کے سامنے بھی ذکر علی سنائے تو وہ بھی خاموش نہیں رہتا، یا اللہ وہ بھی خاموش نہیں، مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ پیغمبر اسلام سلمان سے کہہ رہے ہیں دیکھو فلاں مقام پر جو عقیق ہے اس کو اٹھا کر، کہ نہیں پتھر ہٹا دو، پتھر ہٹاؤ فضیلت پیش کرو، اگر وہ جواب نہ دے تو ہمارے ذکر میں اثر نہیں، یا اللہ، تو پتا چلا ذکر علی کا یہ اثر ہے کہ پتھر بھی بولتا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، اے پتھر سے میں دلیل دے رہا ہوں، پتھر سے دلیل لا رہا ہوں، تو یہ اثر اقرار کی بنیاد پر لذات ہی نہیں، لغیر ہی، لو فیضیاب ہو، پہنو مجھے فیضیاب ہو، یا اللہ اے عقیق تو نماز نہیں پڑھتا، نہیں نمازیوں کو اثر دے رہا ہوں، جس کو نمازیوں کو میں اثر پہنچا رہا ہوں، فیضیاب کر رہا ہوں، مگر عقیدہ رکھ کر پہنو، ہائے 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 ہائے، عقیدہ رکھ کر کاہے کا عقیدہ، میں جس پتھر کو پہنا ہوں یہ پتھر بھی اقرار، تو یہ طے ہو گیا جو اقرار ولایت کرے وہ باشرف ہے،
ये शरफ इस पत्थर में कैसे आया? तो कहना होगा इकरारे वलायत के सबब इसमें न सिर्फ असर है बल्कि बाशरफ है। ये भी देखता हूं पत्थर को चूम रहे हो, हमें तुम नहीं जानते हम पत्थर को क्यों चूमते हैं। जिससे हम इश्क कर रहे हैं उसका इकरार किया, इसीलिए हम पत्थर को भी चूमते हैं। ये बिदत नहीं होता। दुरुद का तोहफा पेश कर ना बाबा से बला। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, मैं भी तय किया हुआ हूँ आज, देखूंगा कब तक के खामोश रहेंगे। जब आप मेरे साथ गुफ्तगू करने लगेंगे जिक्र का आगाज करूंगा। हाँ क्या मारूदा कर रहा है खादिम? पत्थर इकरारे इकरारे आलम अरबा से भी अगर मैं चला तो वहां पर पहले अलस्तो बे रब्बकुम, फिर दूसरा कलमा है मोहम्मद रसूलल्लाह, तीसरा कलमा है अलियन वलीउल्लाह। यहाँ पर जब वलायत पेश की गई है तो इसने हाँ बोला तो दो कलमे नहीं थे उस वक्त खामोश रहा। दो कलमे थे मगर खामोश रहा, तीसरे कलमे का ऐलान हुआ फौरन हाँ बोला, फौरन हाँ बोला, कहा तू अशरफ हो गया। या अल्लाह तो पता चला पत्थर भी बाशरफ हुआ। तो बसबबे इकरारे वलायत हुआ। हाँ तो ये इसका हाँ कह देना खुद एक इबादत है, अब मजीद क्या इबादत करें। हाय हाय बात समझ में नहीं आई शायद। खैर छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, क्या किया ये इकरारे वलायत किया, इकरारे वलायत किया। चलो सुनी हुई बात है मगर बिल्कुल नए रुख से पढ़ रहा हूँ। रसूल खुदा ने अकीक दिया, पत्थर दिया अकीक का, इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नकर आओ। वाकिफ है ना हज़रत? तो पूरे वाक़ा तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं है तो कंधा करने वाले ने क्या किया, क्या किया हाँ? क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलल्लाह लाए। अली वली ने कहा अरे भाई मैंने तुझसे क्या कहा था वगैरह वगैरह, आप हजरत का कीमती वक्त वेस्ट करने नहीं आया है, ये सब आपकी पड़ी हुई बातें हैं तो चुनाते रखे। सुबह उठे, सुबह उठे उस पर क्या आया अलियन, जो चीज इकरार किया था वो नहीं था है, जो चीज का इकरार किया था वो नहीं था। अल्लाह ने कहा नहीं इस पर मैं कोई कलमा नहीं पेश किया, अगर मैं इस पर पेश किया था तो वलायत, और जो चीज मैंने पेश की इसका वो इकरार किया वही नाम नहीं। अल्लाह अकबर। तो फौरन उस पर अलियन वलीउल्लाह आ गया, वरना वो दो क्या थे, कलमे थे या नहीं थे? पता चला अकीक भी नाखुश था। अकीक भी नाखुश, मैं जिसका इकरार किया वही नहीं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा मैं करूंगा क्योंकि ये मेरा कलमा है। या अल्लाह मेरा कलमा है, वलायत अलीन वलायतुल्लाह मेरा कलमा है। दुरूद का तोहफा पेश कर ना बाबा।
पत्थर पत्थर से समझा। ये भी एक फितरी चीज है, एक फितरी चीज है। अगर रोजाना आप बिरयानी खाए खाते रहें तो बस अब उसे दिल उचाट हो जाता है। रोजाना बिरयानी, रोजाना चेहरा वही है, आवाज वही है और मैटर मारिफत है। बोले अब ये रोजाना वही बातें, से दिल उचाट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ अय्याम अज़ा में, बिलखुसूस अय्याम अज़ा में मुसलसल जो मुझे सुन रहे हैं, ओ, उससे तौहीन ज़िक्र मौला अली और मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। अरे भाई पत्थर बोल रहा है, छाड़ बोल रहा है, कुत्ता जानवर भेड़िया कच्चर, ये जन्नत ले लिए ना आप अशरफ मखलूक। अशरफ मखलूक खामोश है तो मुझे हैरत हो रही है, झाड़ क्यों बोला, ये पत्थर क्यों बोला, मुझे हैरत उस पर हो रही है। इकरार इसके पास तो जबान भी नहीं है, इन्हें इकरार कैसे किया। चलो यहाँ से एक और एक मैटर बनते हुए आ रहा है, खुद आ रहा है, मगर उसको छेड़ना नहीं है और खामोशियाँ हो जाएंगी। अहले इल्म हज़रत तशरीफ़ फरमाए, पत्थर में कोई जबान है, फिर इकरार वाला आयत कैसे करा ये बताइए। अच्छा जानवर के पास अकल है नहीं है, अकल नहीं है, इकरार वलायत कैसे करी। जानवर इकरार वलायत किया तो हलाल हो गया। अच्छा तो यहीं से सिस्टम चला हलाल हराम का, बात समझ में आ रही है, हैं या हलाल है क्या हराम है। इसीलिए तो पैगंबर इस्लाम ने कहा अब ये अजदहे की जरूरत नहीं है, सांप की जरूरत नहीं है, मेयारुल वलद अली हो गए, मेयारुल वलद अली हो गए। बस अगर अली का इकरार कर रहा है तो हलाली है, सोचना नहीं है। अगर उसको हरामी कह दे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। दुरूद का तौबा पेश करें बाबा, यहां पर साहेबाने मिंबर के समझ में नहीं आ रहा है। जिक्र अली जिक्र खुदा कैसे होता है, जिक्र पैगंबर इस्लाम कैसे होता है, बार बार सुना रहे हैं कौन पैगंबर इस्लाम सुना रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, आप किताबों से समझने वाले नहीं हैं, आप किताबों से समझने वाले नहीं हैं। सलमान का वाकया पढ़ते जाओ, सिर्फ आप वही वाकया पढ़ो और ज्यादा कुछ मत पढ़ो, सिर्फ वही एक वाकया पढ़ो। फजीलत मौला सुनाए, फजीलत मौला सुनाए तो दरख्त नमूदार हैं, दरख्त पर क्या था, कितने कलमे थे। अगर जिक्र अली में ये दो कलमे और नहीं रहते तो जाहिर क्यों हुए, जाहिर क्यों हुए। अरे आखिर पस वही चीज को थाम लेता है जिससे मुकम्मल कलमा हो जाए। दुरूद का तौबा पेश करें बाबा बला, अब मुझे अब एहतियात तो नहीं है ना पसनों की तरफ जाने की, या नहीं उधर ही जाऊं, अगर खफा हो रहे हैं तो जाऊं। हाँ मेरा उल्टा सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी किताबों में, बिल्कुल उल्टी किताबों में। हाँ कहने के बाद माफ़ी नहीं चाहता, सब लोग कहने के बाद माफ़ी चाहते हैं, हैं भाई जो कुछ मैं कह दिया बुरा लगा माफ़ी चाहते हैं। जी नहीं, मैं वो माफ़ी चाहने का आदी नहीं हूँ,
क्योंकि मैं कोई गलत बयानी से काम ही नहीं ले रहा हूँ। तो पता चला माफ़ी वो चाहते हैं जो अखबारी नहीं है। अखबारी अखबार इलाहिया अखबार मासूमीन की रोशनी में गुफ्तगू करता है, क्यों मैं माफी चाहूं। अव्वल बंदगी है मारिफत, अव्वल बंदगी है मारिफत, मारिफत का नतीजा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मारिफत का नतीजा है अल इकरारो बिवलायत ही तमाम वहदानियत का, इकरार वलायत से वहदानियत क्या होती है कमल, इकरार का है का किए, वलायत का तमाम इतमाम का है का हो रहा है, वहदानियत का तो तय हो गया। वलायत के बातिन में है ला इलाहा इल्लल्लाह, वलायत के बातिन में है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बातिन है उसी का फरीजा है जाहिर करे। खुदावंद आलम वलायत को जाहिर किया, किसको जाहिर किया, वलायत को जाहिर किया। अब वलायत का फरीजा है अपने बातिन को जाहिर करे, अपने बातिन को जाहिर करे। तो वलायत का एक जुज है तौहीद, एक जुज है नबुवत। तो पता चला वलायत के बातिन में है ये दो, इसीलिए खुदावंद आलम पैगंबर इस्लाम को वलायत का इंतजार करवाया। जब तक के वलायत ना आए, न ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान हो न मोहम्मद रसूलल्लाह का ऐलान हो, क्योंकि वलायत के बातिन में है ये दो जुज, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिससे ये दो कलमे जाहिर हुए उस पर अगर ईमान लाए तब मोमिन हुए, और नहीं किया। क्या कह रहा हूं, वलायत से ये दो निकले, ये दो को कबूल करे तो कहा मुसलमान, हाँ मुसलमान। और जिससे ये दो कलमे जाहिर हुए अगर उसका इकरार कर लें उस पर ईमान ला लें तो मोमिन, समझे मोमिन कौन। मगर ये तयशुदा बात है, ये तयशुदा बात है, वलायत ही मादन है, वलायत ही मादन है। वलायत के बातिन में ये दो छुपे हुए थे। तो अब बताओ आप जब मुसलमान हुए किसके सबब मुसलमान हुए, तो कहना होगा वलायत के सबब, वलायत के सबब। तो वलायत ने दो कलमे पढ़वाए, वलायत ने दो कलमे पढ़वाए, तो उस पर ये वाजिब हुआ, खुदा पर ये वाजिब हुआ जो मेरा और हबीबुल्लाह का कलमा पढ़ाए तो मैं अली का कलमा पढ़ाऊं, मैं अली का कलमा पढ़ाऊं। तो अली का कलमा खुदा ने मैदान गदीर में पढ़वाया। दुरूद का तोहफा पेश करें बाबा हमें बता। देखें वो कोई नतीजा गलत निकाले उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ और फिर कह रहा हूँ मैं शियों में जो फिरके हैं उनसे मुखातिब हूँ। हाँ अगर ये कैसेट मेरी कोई सुना शिया बैठ के बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, बात करने के लिए हमारा हूँ। वलायत इल्लत है ये दो कलमों की, वलायत इल्लत है ये दो कलमों की। अगर इल्लत का इकरार नहीं तो मालूम चला जाए, नहीं 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 ये है वह इल्लम तफल, ये है वह इल्लम, अगर ये नहीं तो कुछ
नहीं, क्या कुछ नहीं, जिससे कलमे जाहिर हुए वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो इल्लत है वलायत, क्या है? इल्लत है वलायत। और अगर कोई इल्लत का इकरार न करे, वही बच्चे पर गौर करना है। बात समझ में नहीं आई? जिसके समझ में आ गई वो मुस्कुरा लिए, खुश हो गए, खुश हो गए। देखो, इल्लत के लिए गवाहियां नहीं मांगी जाती। या अल्लाह, इल्लत के लिए गवाही मांगना मज़मूम है। इल्लत के लिए गवाही तलब करना बहुत बड़ा ऐब है, गुनाह है। क्यों? क्यों? वजह उसकी ये है, उसकी वजह ये है कि वो शक कर रहा है अपनी इल्लत पर। या अल्लाह, अपनी इल्लत पर शक कर रहा है। बात समझ में नहीं आई? बच्चे खामोश हैं। इनके लिए इतना कह दूं, अरे तुम्हारे लिए इल्लत है, तुम्हारे डैड, फादर, पप्पा, अब्बू जान, ये है इल्लत। बगैर बाप के पैदा हुए नहीं हुए, मेरे बच्चों हुए नहीं हुए। तुम गवाही लेकर अपने पापा का इकरार किए। ये बच्चे जो बैठे इनसे पूछो, पापा का नाम क्या है? बिला फजल बोलेगा पापा का नाम बोल ले नहीं, सोचेगा नहीं। ये पूछो जी, अभी पूछो, जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे पापा का नाम क्या है पूछो। नहीं 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 नहीं, गवाही तो आखिर की है। गवाही बालिग और आखिर की काबिल कबूल है और आदिल होना चाहिए। हाँ, अब ये बहस में उलझ जाए तो ये खफा हो जाए। मेरे बाप पे शक कर रहे हैं? इस पर शक नहीं हुआ। किस पर हुआ? बाप पर शक हुआ। हाँ, मेरे बाप पर शक कर, मैं कह रहा हूँ वो मेरे फादर हैं, मेरे डैड हैं, तो हमारा ये फरीजा बनता है फौरन कबूल कर लेना। ये नहीं जाने दीजिए भाई, निकाह पढ़ता हूँ, दूल्हे पाशा का नाम, दूल्हे पाशा का नाम, उसके बाद वालिद का नाम लिखा है। नहीं नहीं, प्रूफ लाइए आप। फौरन कहेंगे ये खाजी नहीं चाहिए, बदलो। मैं अपने बाप का नाम लिखा रहा हूं तो ये प्रूफ मांग रहे हैं, क्या होगा बताइए? राजी होंगे दूल्हे पाशा? नहीं होंगे। उसके बाद मैंने कहा मम्मी का नाम, तो फौरन लिखा, मैं लिख लिया, गवाह लिया, विटनेस लिया। नहीं, मालूल कह रही है कि ये है मेरे डैड, तो पता चला डैड के लिए गवाही नहीं मांगना, डैड के लिए गवाही नहीं मांगना। अना वालियन अबावा हाल हिलुम्मा, मैं और अली सुम्मत के, अरे बड़े बात है लफ्जों में पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं, इस उम्मत के बाप मैं हूँ, रसूल खुदा कह रहे मैं हूँ और अली है। तो पता चला इल्लत के लिए गवाही नहीं मांगना, किताबों के हवाले तलाश, दुरूद का तोहफा पेश करे बाबा ने बना। अच्छा, मजाजी वाली जो कह दे वो उज्जत,
मजाजी पप्पा वो कह दें तो हुज्जत, मजाजी वालिद अगर नाफरमानी कर दे तो आख। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मजाजी वालिद वालिदा अगर कुछ कह दें आप नाफरमानी करें तो क्या होगा, इस्लाम में रहेंगे? आख हुए या नहीं हुए? हो गए तो पता चला मजाजी वालिद अगर आख कर दे मशाम में बुए जन्नत नहीं जाएंगी, अल्लाह की ख्वाहिशें, अगर अल्लाह की ख्वाहिशें देखना चाहते हो तो एक मोहम्मद है एक अली है। तो ये मोहम्मद और अली की इल्लत है अल्लाह, मोहम्मद अरबी और अली वली की इल्लत है अल्लाह, इसीलिए हर सादतमंद बेटे का ये फरीजा बनता है बाप जो बोले वो कबूल कर ले। तो ये मोहम्मद और अली ने कहा खुलो ला इलाहा, सहल अंदाज में पढ़ रहा हूँ आज। आप अल्लाह की खामोशी की वजह से मैं बहुत ही सहल अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मिंबर पर जब आया इरादा कुछ और था पढ़ने का, वो नहीं पढ़ाया आप हजरात, तो मैं आ गया इधर। क्या मारूदा कर रहा हूँ, मजाजी मजाजी जो वालिद है जो आपकी खिलकत में वसीला बना, अगर इसका हुक्म न माने क्या होगा, जन्नत मिलेगी? नहीं, जहन्नम वासिल हो जाएंगे। समझाने के लिए खुदा बंदे आलम कुरान में कह रहा है अगर तुम उफ, कितने हैं हुरूफ, अलिफ, हाँ दो हुरूफ बोलने से हाँ जहन की तामीर हो रही है। आपके डैड हैं, आपकी मम्मी है, अगर इनकी शान में उफ क्या होगा, मशाम में बुए जन्नत नहीं जाएगी। अल्लाह मजाज का इतना पावर। अब ये मजाज जो भी बोले सुनना सुनना, कौन है पैगंबर है, कौन है ये अल्लाह है, कौन है ये इमाम है? नहीं नहीं, आपकी खिलकत का वसीला है, आपके लिए इल्लत है, आप है मालूम, तो आपका फरीजा है वो जो बोले। ये बहस में नहीं पड़ना वाजिब है पप्पा, पप्पा ये सुन्नत है, पप्पा ये मकरूह है, हैं पप्पा से सवाल बदतमीजी है, पप्पा से सवाल करना बदतमीजी है। जहन जहन बनाया जा रहा है, जहन बनाया जा रहा है। पहले तुम मजाज की असमत से वाकिफ हो जाओ तो हकीकी वालिद क्या है उसको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसीलिए इसीलिए शौरे मुकद्दस ने निकाह को जायज किया ताकि तुम अपने मजाजी वालिदैन से ये तो समझो कि उनकी अहमियत क्या है, उनकी अजमत क्या है। हद कर दी समझाने की, ये मासूम कह रहे हैं अगर तुम्हारी इल्लत आवाज दे अल्लाह की कुर्बत नहीं। मुस्तहिब नमाजे हैं, सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर वालदेन आवाज दे दे तो तोड़ो अल्लाह, ये अहमियत है मजाज की, मजाज की अहमियत नहीं जहन की तामीर, जहन की तामीर है। कि देखो जब मजाजी वालिद आवाज दे रहा है, अब आप बहस कर रहे हैं, अरे ये बोलिए अल्लाह अफजल है या मेरे डैडी, अल्लाह अफजल है या डैडी? नहीं, अल्लाह ही का हुक्म है, अल्लाह ही का हुक्म है। अल्लाह ये समझा रहा है कि देखो अगर चे कि तुम मेरे करीब हैं, मेरे करीब हैं, वालिद की आवाज देने पर उधर लबैक बोलो, ये खुरबत बाद में, पहले वालिदैन
पहले वालदैन तो कहां तक खादिम ने समझाने की हद कर दी बच्चों को। इताअत वालदैन सुन्नत नहीं है, क्या है? इताअत वालदैन सुन्नत नहीं है, वाजिब है। पड़ोस की इताअत करना वाजिब नहीं है। जो समझ गए समझ गए, जो नहीं समझे मत समझो। हाँ, पड़ोस की, अपने जैसे की भी इताअत करना वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो खौले मासूम दे दे और खौले खुदा दे दे, इनकार कर दे, काफिर हो जाए। क्या हो जाए? काफिर हो जाए। तो जब वालिद जो कह दे, मसलन मसलन वालिद ये कह रहे हैं कि देखो बेटे, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं चार मीनार है। अच्छा बाबा, हाँ बहस नहीं करना, बाबा कह रहे हैं चार मीनार, तो अब जब चार मीनार, बाबा से आर्गुमेंट नहीं होता, काफी एक मिसाल। हाँ तो इल्लत कह रही है, वालिद कह रहे हैं चार मीनार, चार मीनार। अब कोई आकर कह दिए नहीं भाई ये चार मीनार नहीं है, खामोश, मेरी इल्लत बोली। अब यहाँ पर सवाल करो, आप अफजल है या मेरे बाप? हाँ, अब यहाँ बहस करो, जितनी कर सकते हैं करो, अब करो। नहीं है? आपकी इताअत क्या मुझे वाजिब है? पापा की इताअत वाजिब है, जो वालिद बोल दिए वो मेरे लिए हुज्जत है। हाथ पाओ भाई बाप, ठीक है? तो इसी तरह इल्लत जो कह दे उसका इकरार करना सुन्नत नहीं। बस यहां पर एक शर्त लगाई गई कि देखो वालिद की, वालदैन की इताअत हराम में नहीं है, बस इतना। तो हराम के लिए अगर करें, जब मसला न करें शराब लाओ, नहीं अब यहां नहीं इताअत वाजिब है, मेरी इताअत है, आख कर दूंगा, आख की तस्बीह पढ़ो पापा। आँख नहीं, आँख की तस्बीह पढ़ लेते बैठो, आँख 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 आँख, अल्लाह कहेगा थू। बात समझ में आ रही है? अल्लाह सलामत रखे। चले कम से कम इतना तो समझ गए, इतना तो समझ गए, क्योंकि थू का किस पे जाता है मालूम है ना? या अल्लाह, अरे भाई सांप क्या करते थे? प्यार करते थे, थूकते थे। नौ मौलूद को डाले हैं, डाले, खामोश चले गए, सलाम दिए, शुक्र लिल्ला कहना है, थूके, अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में थू थू हो गई, पूरी दुनिया में थू थू हो गई। तो पता चला थूकने का भी असर है, थूकने का। और ये इत्तेफाक की बात यह है कि मिन जानिबे खुदा है, वो जो अजदहे थे सांप थे, अपनी मर्जी से नहीं थूकते थे। हाँ, अल्लाह तायुन किया था, तो वो जानते थे किस पर थूकना किस पर नहीं थूकना, वो जानते थे। अच्छा मुझे कहीं नहीं मिला, लाए डाले, नमाज पढ़ेंगा नहीं पढ़ेंगा, नहीं रखेगा, हज करेगा नहीं करेगा, मैं जहाँ पर हूँ इसका तवाफ़ करेगा, ये मिले नहीं किताबों में। अगर मिला तो ये मिला कि कौन हलाली है कौन हरामी है, क्यों? कि वो अज्दा जानता है, वो साहब जानता है, जो हलाली है वो मुसल्ला नहीं छोड़ता। तो खैर, खादिम मारूजा कर रहा था, तब मजाजी वालदैन से जहन की तामीर की गई कि देखो वालिद जो कह दे सुनना सुन्नत नहीं है, यहाँ पे क्या है? वाजिब। क्या हो गया ये वाजिब? ना ये पैगंबर हैं, ना अल्लाह हैं, ना इमाम हैं, ना मासूम हैं, मगर ये कि हमारी खिलकत में वसीला है, इल्लत है, हम मालूल हैं, तो लिहाजा उनकी सुनना वाजिब है। पता चला इल्लत की सुनना, इल्लत की सुनना वाजिब
है और जो इल्लत जो कह दे तहकीक करना, इल्लत पर शक करना है। क्या है? इल्लत पर शक है। अगर उनकी तहकीक करें तो इल्लत पर शक है, नहीं तो क्यों? वालिद का कौल है, हुज्जत है। जब वो कह दे हुज्जत है, तहकीक नहीं। तहकीक करें तो गोया आप अपनी इल्लत पर शक कर रहे हैं, इल्लत पर शक कर रहे हैं। जब बात वाजे हो गई, अब दो जुमले कहने की इजाजत चाह रहा हूं। दो, एक और दुरूद का तोहफा पेश कर दे, मेहरबानी हो। बार बार फराज़े मिंबर से वाइज़ीन उलमा ज़ाकिरीन मौली मौलाना मुल्ला सब सुनाते हैं इल्लते गाइये कायनात। क्या कहते हैं? इल्लते गाइये कायनात, अशरफे मौजूदात, जाने अवालिम। क्या है? जाने अवालिम की जान, रूह निकल गई मौत। क्या है? रूह निकल जाए मौत, जाने। रूह को क्या कहते हैं? जान कहते हैं ना, मेरी जान। हाँ, रूह को जान कहते हैं। जाने अवालिम, जाने अवालिम की, आलम में अवालिम की जान। अच्छा, बीच में एक बात याद आ गई है, आलम एक नहीं है ना, अवालिम है। जरा ये पूछना भाई आलम दौरा से, वो दूसरे आलम में मुश्तहद कौन है, आलम दौरा कौन है? वो तीसरा आलम, चौथा आलम है, 18,000 अवालिम है, 18,000 अवालिम है। तो जब 18,000 है तो 18,000 आलम दौरा होना, और वो 18,000 अगर आलम दौरा हर आलम के लिए है तो सब मजबूर हैं, सारे के सारे आलम दौरा मजबूर हो गए। क्योंकि एक आलम को नहीं संभाल सक रहे तो दूसरा क्या संभालेंगे, दूसरे को नहीं संभाल रहे तो तीसरा क्या संभालेंगे। तो पता चला मजबूर है 18,000, तो जरा नाम लाना उनके, क्या है नाम वो आलम दौरा का? वहां के लोग, वहां की मखलूक किसकी तकलीफ कर रही है, यही समझाने के लिए पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं। जब मैं मेराज की सैर कर रहा था, जिधर जा रहा था उधर अली को देखा, जिधर जा रहा हूं उधर अली को, हर चंद के अर्ज पर छोड़ कर गए। ये आलम में भी अली है, इसको कहते हैं जाने वालिम, इसको कहते हैं जाने अवालिम। क्यों? कि ये आलम मजबूर नहीं है। कैसा खादिर है ये कहता हुआ नजर आया, ये कहता हुआ देखो आसमानों में क्या है वो मुझसे पूछो, आसमानों में क्या है वो मुझसे पूछो, जमीन में नहीं, जाहिर नहीं, जमीन में जाहिर नहीं कि बातिन में क्या है वो पूछो, मैं बताऊंगा। क्यों? क्यों? मैं हूं आलम दौरा, मैं हूं आलम दौरा, इल्लत गाइये कायनात। क्या है? कायनात के लिए इल्लत, सारी कायनात के लिए इल्लत है। अशरफे मौजूदात, शरीफ वही है जो अशरफ को थामे। आला के रहते हुए मफजूल को कोई नहीं लेता। जब ये अशरफ है तो फिर दूसरों से क्यों पूछे, दूसरों की तकलीफ क्यों करे?
कौन दूसरों की तखलीक करें, अशरफ मौजूद है हमारे पास नहीं है, अशरफे मौजूदा मौजूदात में अशरफ। और यह भी जहन में रहे कायनात बाद में है, कायनात बाद में है, सरवर पहले है, सरवर पहले है, उसकी उसके खालिक अव्वल मखलूक है, अव्वल इल्लत गाहिये कायनात अशरफे मौजूदा जान है अवालिम। क्या है? अवालिम के लिए जान है, यही समझाने के लिए कह रहे हैं अगर जमीन से इमाम का कदम उठ जाए, या अल्लाह जमीन से इमाम का कदम उठ जाए तो जमीन मस क्यों हो गई, जान चले गई। जान तो पता चला रूह के सबब बखा है, रूह के सबब इर्तिखा है, रूह के सबब इर्तिखा है। अव्वल अव्वल कौन बना, कौन अव्वल अव्वल बना? मोहम्मद अरबी। अगर ये वाहिद हो, मुनफरिद हो, तो इस पर इतलाक अव्वल न रहे बल्कि अजल हो जाए, क्योंकि अजल मुनफरिद है, अजल मुरक्कब नहीं है, मुरक्कब नहीं है। तो खुदा जिस अव्वल को जाहिर किया मुनफरिद नहीं, मुरक्कब मुरक्कब, उसको पैगंबर इस्लाम ने इन जुमलों में समझाया कि खुदा ने मेरे नूर को खल्क किया, उसके दो किया, दो किया, एक मोहम्मद है दूसरे अली है, तो पता चला ये दोनों मिलकर है। ये मुरक्कब होने की बुनियाद पर अल्लाह नहीं है, मुरक्कब होने की बुनियाद पर अल्लाह नहीं है, मगर ये जो दो अलग हुए, दो अलग हुए, एक को नबी दूसरे को इमाम। नबी का काम खुदा के अहकाम पहुंचाना, इमाम का काम समझाना, इमाम का काम है समझाना। और इमाम का फरीजा है जिसने खल्क किया उसका तारुफ कराना। बात वादे हो रही है? तो इल्लत से सवाल करना, इल्लत से सवाल करना गुनाह है, नहीं करना इल्लत से सवाल। तो अव्वल अव्वल जो खल्क हुआ वो कह रहा है कि मेरा खालिक है, तो बताओ मुझे किसने अल्लाह का बता दिया? अव्वल ने बता दिया। किसका दिया? अजल का दिया, अजल का दिया। ये हमारे लिए इल्लत है, तो जो इल्लत कह दे वो हुज्जत है। क्या है वो? हुज्जत है। और खुदावंद आलम ने अव्वल अव्वल जिस मखलूक को खल्क किया वो मखलूक नाकिस नहीं थी बल्कि वो मखलूक कामिल व अकमल थी, जिसकी शान में खुदावंद आलम कह रहा फमा अताकुम रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल ने ले लो। क्यों? कि जिसको मैं जाहिर किया हूं वो नाखिस नहीं है बल्कि वो कामिलो अकमल है, कामिलो अकमल है। कैसा कामिल, कैसा अकमल? जो नहीं दिखता उसका कलमा पढ़ाया, दुरूद का तोहफा पेश करे बाबा। इल्लत इल्लत खाइए खाए।
समझ में नहीं आ रहा है तो कम अज कम ये हदीस अना व अली अब वहाजहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, बाप हैं, बाप हैं। बाप जो दे दे वो हुज्जत है, बाप से गवाही तलब नहीं करते, बाप से गवाही तलब नहीं करते। तो अब हमारे बाप पैगंबर इस्लाम, जब पैगंबर इस्लाम हमारे बाप हैं, पैगंबर इस्लाम हमारे बाप हैं, तो इस पैगंबर इस्लाम ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत नहीं तलब करना, किताबें तलाश नहीं करना, फौरन मान लेना क्योंकि इल्लत है, बाप है, बाप है और हकीकी है, हकीकी है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, फौरन आमन्ना सद्दक्ना, कहना हाँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके कहने पर मैं गवाही दे दिया, आपके कहने पर मैं गवाही दे दिया। फिर ये पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं हूँ मोहम्मद रसूलल्लाह, यानी तुम्हारे लिए इल्लत मैं हूँ। अब बाप के लिए तो गवाही नहीं मांगते, नहीं मांगते, मगर कैसे जरी लोग थे, कैसे जरी लोग थे, कह दिया लस्ता मुरसला, तुम रसूल ही नहीं हो। तो पता चला रसूल की रिसालत, रसूल की रिसालत के मुनकिर हुए, काहे के रसूल की रिसालत के मुनकिर हुए। फिर एक बार कह लेने दीजिए, रसूल की रिसालत के मुनकिर हुए, मोहम्मद अरबी के मुनकिर नहीं, रिसालत के मुनकिर हुए। एक कहा लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं है, ओहो तुम रसूल नहीं है। तो खुदावंद आलम गवाही दिया, हाँ मैं आ रहा हूं गवाही देने के लिए। तो पता चला, पता चला हम जो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह जो हम कहते हैं, रिसालत के इनकार करने पर खुदा और अली आए थे गवाही देने, तो रिसालत की गवाही। अब यहां पर अली का इनकार नहीं है, नहीं नहीं थोड़ा गौर करें मैं क्या कहने जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, बेफिक्र रहिए। अली का इनकार नहीं, अली की वलायत का। तो पता चला इकरारे वलायत करने वाले कम थे, तो जो वलायत का मुनकिर है उसको मुनाफिक कह रहे हैं, उसको मुनाफिक कह रहे हैं। तो खुदावंद आलम कह रहा है कि नास के शर से मैं बचाऊंगा, तुम ऐलान करो या अल्लाह, तुम ऐलान कर दो। तो फिर यहां पर दो गवाही आए, एक मनकुन तो मौला कहने वाला गवाह बन रहा है, और जिसकी जानिब से हुक्म आ रहा है वो गवाह बन रहा है। ये मनकुन तो मौला कहने वाला कौन, इल्लत, इल्लत। जब ये इल्लत पहला कलमा दे कबूल, दूसरा कलमा दे कबूल, इल्लत देगा ये कायनात खजाओं का मिंबर बनाकर, खजाओं का मिंबर बनाकर अली को बुलंद कर कर कह रहे हैं फहाजा अलीयुन मौला, फहाजा अलीयुन मौला। इल्लत गाये कायनात के खौल का इनकार कर दें तो आप बताएं नतीजा क्या निकलेगा,
इतनी सारी गुफ्तगू के बाद मजाजी वालिद से मैं दलील दिया, मजाज मजाजन जो वालिद है जो आपकी हमारी खिलकत में वसीला बने उसकी बात सुनना हम पर वाजिब। क्या है सुन्नत? आप ही ने कहा ना वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। तो पता चला बाप की सुनना वाजिब है। अब अजीब वगरीब सवाल है, इल्लते गाये कायनात के हाथ में है अली, इल्लते गाये कायनात कह रहा है मैं जिन जिन का मौला ये अली उन सबों के मौला। अब बताओ मुझे इल्लते गाये कायनात के खौल का इनकार कर देना क्या हुआ? इल्लत आपकी हमारी खिलकत में इल्लत बने सुनना वाजिब, सुनना वाजिब। तो अब फिर बताओ अली वलीउल्लाह क्या हुआ? अली वलीउल्लाह वाजिब हुआ, सुन्नत हुआ, क्योंकि इल्लत कह रहा है। अब देखें शिद्दत, देखें शिद्दत, देखें कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह ऐलान हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान हुआ, अल्लाहुम्मा वाले आया नहीं आया? अगर आया पैगंबर इस्लाम ऐलान वलायत के बाद अल्लाहुम्मा वाले आए, अरे वो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उस वक्त क्यों नहीं बोले? सवाल है समझने के लिए, समझाना, भड़कना नहीं, चिराग बुझे जैसा भड़कता हुआ चिराग जल्दी बुझ जाता और वो किसी को फैजियाब भी नहीं कर सकता है? तो आप दो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है, उस वक्त अल्लाहुम्मा वाले मन वाला क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मनादा है? जो इन कलमे का जो दुश्मन है तू उसका दुश्मन हो जाना, नहीं है? जो ये कलमे से मोहब्बत करे तू करना, बताइए। ऐलाने वलायत के पहले ये बता दे दुआ अल्लाहुम्मा वाले मन वाला नहीं है, उससे पहले नहीं है, ऐलाने वलायत के बात है, है? मन कुन तो मौला फाजा अलियुन काफी था ना, मैं जिन जिन का मौला अली उन सबों के मौला बहुत काफी है। मगर ये कि पैगंबर इस्लाम कहा नहीं ऐसे नहीं, याली ला इख्तलाफा फिल्ला वफिया, अली अल्लाह के बारे में इख्तलाफ नहीं होगा, मेरे बारे में इख्तलाफ नहीं होगा, जिसके बारे में इख्तलाफ होगा उसके लिए मैं अल्लाह को पाबंद कर रहा हूँ मैं, अब अल्लाह को मैं पाबंद कर रहा हूँ। या अल्लाह क्या है, देखिए आप हबीबुल्ला जब आप नवाफिल पढ़ते हैं तो आपकी कान आपके नहीं रहते अल्लाह के हो जाते हैं, आपकी आंख आपकी नहीं रहती अल्लाह की हो जा रही है, आपके कदम हमारे नहीं हुए अल्लाह के हो गए, अल्लाह के हो गए। या हबीबुल्लाह है अल्लाह दोस्ती कर रहा है, अब दोस्ती को निभाना अल्लाह का काम है। अगर दोस्ती को बाकी रखना है तो दो दोस्त बोल रहा है उस पे अमल करना, सारी शरीयत पर अमल करना उम्मत का फरीजा, सारी शरीयत पर अमल करना उम्मत का फरीजा, खुदा पर ये वाजिब किया है पैगंबर इस्लाम ने। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन वादा हूं नहीं जमानी है, जमानी है। पूछना स्कूल के पढ़ेवा से, उनसे पूछना हाँ ये जमा का सेगा है या सेगे वाहिद है, सेगे पूछना, मेरा काम है पढ़ना। अल्लाहुम्मा वाले वादे मनादा मंसूर, अब बोलो
अली की दोस्ती किसकी दोस्ती हुई, किसकी हो गई? अल्लाह की, रसूल अल्लाह की हो गई। अली की दुश्मनी किसकी हो गई? 13 फ़िरके हैं शियों में, इस्माइल फ़म। अली की दोस्ती किसकी हो गई? अल्लाह की। अली की दुश्मनी किससे हो गई? अली की नुसरत, अब जो अली की नुसरत करे, अल्लाह कह रहा है मैं करूंगा नुसरत। और जो अली से मोहब्बत करे, अल्लाह कह रहा है मैं करूंगा तुमसे मोहब्बत, मैं करूंगा तुमसे मोहब्बत। जो अली का दुश्मन हो जाए, अल्लाह कह रहा मैं रखूंगा उससे दुश्मनी। लीजिए अब बताइए, सब अमाल कहाँ चले गए? अमाल कहाँ चले गए? आमिल के साथ अमाल, आमिल के साथ अमाल उसके साथ रहेंगे। आगे मैं नहीं बोलता, आप भी तो कुछ बोले ना। आमिल के साथ उसके अमाल, आमिल के साथ रहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इकट्ठे से समझो, ये साथ में इकट्ठा बता रहा है नमाजी, नमाजी। तो आमिल के साथ आमाल, तो जहां आमिल, जहां आमिल वही उसके अमाल। अब मैं नहीं कहता कि आप कहां जा रहे हैं, इतना जरूर कहूंगा जहां आमिल साहब है उसके साथ साथ उनके अमाल है। मैं रसूल खुदा का कलमा पढ़ा हूं, और इस जुमले से बड़ा खौफ हो रहा है, रसूल खुदा अल्लाह को पाबंद कर दिया है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला। हाँ नहीं भाई, सो कायनात दुश्मन हो जाए, हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कायनात अली से दोस्ती करना है, हाँ अली से जो इससे दोस्ती करे हो, खुदा से पैगंबर साहब तू करना, करना अल्लाह से दोस्ती नहीं, अली से करना। अली से दोस्ती करे, खुद अल्लाह से हो गई। ये आप पार्टीशन क्यों कर रहे हैं? पार्टीशन क्यों कर रहे हैं? पार्टीशन मत करो, इनमें फर्क मत डालो। हाँ, नूरे रुबूबियत और नूरे वलायत में कोई फर्क नहीं है, पार्टीशन मत डालो। जो नूरे रुबूबियत है वही नूरे वलायत है, वलायत के बातिन में है, वलायत के बातिन में है। तौहीदो नबूवत, आप इसमें जुदाई मत डालो, वरना नुकसान ना इसमें अल्लाह का है ना रसूल अल्लाह का है, बल्कि अपने वजूद पर खुद जुल्म कर ले रहे हैं। हम दोस्त हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हम समझा रहे हैं कि देखो, गौर करो हम क्या कह रहे हैं, या अपनी इस्लाह कर लो या हमारी इस्लाह करो। हो सकता है मैं गलत होगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा इल्लत जो दे वो गलत नहीं होता। हमारे इल्लत है पैगंबर इस्लाम, इल्लत गाइए कायनात है, कायनात के लिए इल्लत है पैगंबर इस्लाम, वो जो कुछ दे थे। अब उनका फरीजा है, चाहे तो वाजिब करें चाहे तो ऑप्शन करें। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने जो अहकामात हमें दिए, कुछ वाजिबात है, कुछ मुस्तहबात है, कुछ सुन्नत है। करने वाले कौन? इल्लत। पैगंबर इस्लाम ने कहा ये सुन्नत की नमाजें, सुन्नत पढ़ लो, इसको सुन्नत पढ़ लो, ये वाजिब है वाजिब कर लो। मगर देखो, वाजिबात को अगर कबूल करवाना है, इकरार वलायत कर लो, इकरार वलायत करो। और इकरार वलायत ही सबसे मुश्किल तर अम्र है, सबसे मुश्किल तर। और इकरार है और इजहार न हो, हैरत है। वाह, यानी इश्क तो कर लिए, इश्क कर कर
जब्त करके बताए। हाँ? कोई ना पहचाने, मैं पहचान लूंगा। हाँ कई केसेस आते हैं मेरे पास। हाँ वो जानते भी नहीं मैं होशियार करता हूँ। अरे नहीं, ये किसी के इश्क में है। नहीं कबला, ऐसा तो नहीं है। मतलब जाइए, मालूमात करिए, बाद में आइए। क्योंकि डॉक्टर नब्ज देख कर मर्ज पहचानता है। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीजों को देखते देखते इतनी तो प्रैक्टिस हो गई, काय का मरीज है। तो गए देखिए बाद में, हाँ किबला आप सही बोले थे, हाँ हम गलत कब बोलते, गलत को कब बोल। पता चला इश्क एक ऐसी चीज है जिसको नहीं छुपती, नहीं लाकब छुपा ले, नहीं छुपती। क्या आसार नहीं छुपते, माशूक को बेहिजाबी में नहीं लाते। क्यों माशूक को इसलिए बेहिजाबी में नहीं लाते, कहीं नजर ना लग जाए। अल्लाह हिजाबात में रखता है आशिक, फिर कहता है कि नहीं नहीं, अजब नहीं कि कोई और इश्क कर ले, मेरे माशूक को मैं अगर बेहिजाबी में लाऊं तो कोई दूसरा ना देख ले। तो पता चला माशूक को कोई नहीं देखना सिवाय आशिक के, सिवाय आशिक के कोई और न देखना। और आशिक की खुशियाँ उस वक्त वाला हो जाती हैं जब माशूक आशिक को देख ले। ये तो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा, ये दिल वाला हूँ, बहुत बड़ा दिल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा दिल है, ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काश कि मैं अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता तो पीएचडी करता। मजबूरी ये है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, हालात घर के कुछ ख़राब थे जिसकी वजह से चले गए कमाने के लिए हम। बहुत ही गुर्बत का दौर हमने देखा है। तो चुनाचे अगर मैं ग्रेजुएशन कर लेता तो आज मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी करूं दो चीज़ों पर कम से कम, एक उसूली और अखबारी पर, दूसरे इश्क पर। हाँ ये दो मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं बताता इश्क कहते किसको है, और जब मैं थीसिस लिखता, हाँ इश्क पर कितने की तलाक ख़त्म हो जाती अगर पढ़ लेते। समझाता इश्क कहते किसको हैं, हाँ घरों के झगड़े ख़त्म हो जाते। बताता तुम जानते क्या यार, हैं इश्क के सबब तो सर झुक रहा है, सबब इश्क के सबब सर झुकता है। और सबसे बाअजमत चीज़ है सर, तो ये सर हर एक के सामने नहीं झुकता। अब लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आप ये अज़ा खानों में क्यों आप झुकते हैं, अरे इश्क है रे, अगर तुम इश्क करता होता तो ये नफ्सवाल करता, सीने में पत्थर है तू क्या जाने। तो मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, यानी ये जो हमारा अज़ाखाना है इसमें अहले बैत की निशानियां हैं। अहले बैत की जब निशानियां आ गई वो चौखट काबिले अजमत, चौखट काबिले अजमत, हम वहाँ पर झुके, चूमे चूमे। आपको तो मोहब्बत अहले बैत थी, अरे जो चीज़ उससे मुंसलिक हो जाए, जो चीज़ उनसे मुंसलिक हो जाए उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उनसे भी मोहब्बत हो जाए। अगर अगर ये तकाजाए मोहब्बत ना होता तो हज़रत मुख्तार उनको कत्ल न करते जो सवारी हुसैन की थी, उसको नहर कर कर गोश्त खाए। हाँ जिस ऊँट पर अहले बैत सवार हुए थे वो तू खाए, तो उनके भी घर छीन दिए हजरत मुख्तार। हैं कैसे खाए, अरे वो तो जानवर है ना। नहीं नहीं हमारा माशूक बटा,
तो पता चला माशूक की सवारी भी काबिल ताज़ीम। समझे जुलजना को क्यों चूमते हैं, हाय हाय हाय, समझे जुलजना को क्यों चूमते हैं। लोग पूछते हैं अरे ये पत्थर की इमारत है काबा, ये क्या है, इसको क्यों चूमते हैं। अल्लाह जिनकी मवद्दत हम पर फर्ज किया वो जाहिर हुआ, वो जाहिर हुआ है, इसलिए हम काबे के हर दरो दीवार को चूमते हैं, इसको हम चूमते हैं। हैरत हुई आज ये देखे में आ रहा है अय्याम अज़ा में अपने मुर्दों को याद कर रहे हैं, ये इजहार इश्क नहीं है। तो पता चला आप खुद इस बात का इजहार कर दिए कि अहले बैत से अफजल हमारे मुर्दे हैं, मुर्दे मुर्दे, हाय हाय हाय, क्या कह रहा हूं। अरे कम अज कम चहलुम तक रुको, चहलुम तक अपने मुर्दे नहीं, अब उनका गम, हमारा कोई गम नहीं। तो पता चला ये हजरात जो मरसिया सुनकर रोते हैं अपने मुर्दे पर रोते हैं। माँ मर गए, शहजादी कौन है इनका, मरसिया हो रहा है, पप्पा मर गए, इमाम हुसैन का मरसिया। अब जो चीख मार मार के रो रहा है लोग समझ रहे हैं अरे मरसिया सुनकर रो रहा है। अगर मरसिया सुनकर रो रहा है तो दूसरे फर्श अज़ा पर आम दिनों में देखो कि उसका गिरिया वैसा ही रहता है, नहीं अब यहाँ गिरिया बदल गया क्यों, अब इमाम हुसैन के मसाहब मसाहब नहीं रहे, नहीं उस वक़्त अपने टेढ़े पापा याद आ रहे थे, माजूर पापा जो माजूर बच्चे को पैदा किए उनकी याद में रो रहे हैं। बातें मेरी ये तल्ख दिखती हैं, बुरी दिखती हैं, सोचो मैं फिक्र दे रहा हूँ। अहले बैत से जब मोहब्बत कर रहे हैं तो नहीं है ना, देखिए राय खुदा में चले गए, वो चले गए, हाँ चहलुम के बाद कर लेंगे इसाले सवाब। मैं आला हजरत उस्मान अली पाशा पर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा आज़ा खाने जहरा में, पांच मुहर्रम को मैं खिताब करता हूँ, आला हजरत के बिना करदा मजालिस हैं, तो मुझसे कहा गया कि हुजूर के लिए एक सूरह फातिहा में मतलब माफ़ी चाहता हूँ, ये अय्याम अज़ा में मैं फातिहा नहीं पढ़ाता, ये मजलिस जो बाकी है उनको अस्कुत सवाब मिल जाएगा, जिस दिन ये मजलिसें रोक देंगे उन पर अजाब हो जाएगा। हाँ, और अजाब का वसीला वो होंगे जो मजालिस को रोके। उस्मान अली पाशा गुजर गए, मैं नहीं पढ़ाया आज की तारीख तक, अब ये मुहर्रम में भी दूसरे एक सूरह फातिहा भी नहीं, कौन उस्मान अली पाशा है, काहे के उस्मान अली पाशा, कोई बादशाह नहीं, शाहस्त हुसैन है, बादशाहस्त हुसैन है, दी पनास तो सैन है, दी पना सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला, बस उसी का गम करो। ये जाकिरीन को शौक है पढ़ने का, शौक है, इसीलिए जरूर पढ़ दूंगा, यहां आओ रेस्ट में रहा अगर इसाले सवाब पढ़ा तो कह देना, नहीं यानी है कंसेशन। मैं 26 ज़िलहिज्जा से कोई मजलिस नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता 26 ज़िलहिज्जा से, नहीं हाँ 29 शब आने के बाद यानी शबे 30 या शबे कुम उस वक्त पढ़ूंगा मैं, दिन में नहीं। मैं क़िबला हूँ, आज ही के दिन मरे मर जाने दो, यहाँ किसको यहाँ क्यों आए, गलत डोर पे खटका क्यों मारे, आप उस डोर पे खटका मारिए जो एक्स वाई जेड की तखलीद करते हैं, मैं अहले बैत की तखलीद करता हूँ, मेरे पास नहीं है ये। हाँ मैं खुद अपने मामू खुसरे मोहतरम 15 शाबान की सुबह उनका इंतकाल हुआ, हसीदा
मैयत उठा है आज की तारीख तक, जश्न हो रहा है, जो गवाह देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो गवाह गवाही आज की तारीख तक। यहाँ अगर आ गए तारीख क्या करेंगे, पहले कर लेंगे, क्यों खुशी की तारीख है, अब रोना है पप्पा पे, पप्पा पे, हाँ इसीलिए तारीख बदलते हैं जी, जो तारीख पप्पा गए वही तारीख करो, नहीं कर सकते। सुनो मेरी जान कुर्बान कहना आसान है, जान देना मुश्किल है, ये तो शरफ बख्शने के लिए जियारत का, जियारत में आ गया फिक्रा, या लैतनी कुंत मअकुम फाफूज फौजन अज़ीमा, काश मैं होता, क्या इल्लत थी हुसैन जाने शबे आशूर चराग गुल कर कर कर, जो जाना चाहते हैं चला जाए, हरचंद के वो भी भूखे हैं और प्यासे हैं, हुसैन चराग गुल कर कर रहे जाओ, मगर सुनो इतनी दूर चले जाना मेरी सदाए नुसरत तुम्हारे कानों तक न पहुंचे, और अगर मेरी सदाए नुसरत तुम्हारे कानों पे पहुंचे तो लब्बाए कहना लाजमी है, नुसरत वाजिब है, नुसरत वाजिब हो जाएगी। तो देखा जो जाना चाहते थे चले गए, अब यहाँ बड़े इत्मीनान से, अरे एक मजलिस से दूसरी मजलिस करना मुश्किल है, एक मजलिस से दूसरी मजलिस नहीं कर सकते। अगर अपना बाप मर जाए, दोस्त है बाप, अगर इस साले सवाब की मजलिस करे, हर मजलिस में शिरकत करेंगे, वहां जाएंगे क्यों, अरे हम मेरे वालिद की मजलिस करें, इस साले सवाब की मजलिस से जाना जरूरी है, अल्लाह जाना जरूरी है, मोहम्मद अरबी का नवासा, फातिमा का बेटा, जिसने चक्की चीज पीस पीस कर हुसैन को पाला, सुनो जो ये दिनों में इशारे सवाब कर रहे हैं, बना में शिया कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ अपने मसलक का इजहार कर दो, मैं तुमसे गुफ्तगू भी नहीं करूंगा जब तक तुम सिर्फ लफ्ज शिया का इस्तेमाल करते हुए बोलते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूंगा, मैं जवाब देता रहूंगा। क्या अर्ज कर रहा है खादिम, गौर फरमाए, वहाब वहाब कलबी माँ राय हुसैन में अपना बेटा दी या नहीं दी, दे दी, सर आया माँ के पास, सर आया ईसा ने सवाब करने वाले, सुनो माँ के पास सर आया, सर ली वापस फेंक कर जो राय हुसैन में दे दी, ये है मारिफत। यहाँ अपने बाप पे रो रहे हैं, अपने भाई पर रो रहे हैं, अपने खानदान का ईसा ने सवाब कर रहे हैं, करबला से दर्स लो, वाख्या वाख्या समझ कर न सुनो, हाँ मुकाम दर्स है करबला, मुकाम दर्स है करबला, जब हाँ दर्स दिया जा रहा है, वहाँ पे कलबी की माँ दे रही है, राय हुसैन में जो दे दी हम नहीं लूंगी, दूसरी दलील लो, चेलुम तक ही साले सवाब कर रहे हैं, बना में शिया पढ़ने का शौक है, पढ़ने वाला भी जाहिल जाहिल, इमाम हुसैन के पास आन मोहम्मद आए, आन मोहम्मद इज्जत लेना चाह रहे हैं, का नहीं मेरे बच्चों नहीं, अल्लाहु अकबर, क्योंकि तेरी माँ किस किस पर रोएगी, अल्लाह अकबर, मुझ पर या तुम पर,
इसलिए हुसैन और मोहम्मद को इजाजत नहीं दे रहे। एक मर्तबा ज़ैनब ने और मोहम्मद खाए, शाना था मां, ज़ैनब ने जैसे ही और मोहम्मद पर निगाह की और ज़ैनब का यह अंदाज देखा, समझ गए हुसैन की बहन बहन बच्चों के लिए इसने जिहाद तलब कर रही है। अल्लाह अकबर। इजाजत मिली जिस वक्त के हुसैन को ये बच्चे आवाज दिए हैं, हुसैन खैमे से निकलना चाहते हैं, हुसैन खैमे से निकलना चाह रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब अपने भाई का दामन थाम करके कहे, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे तेरे लाल आवाज दे रहे हैं, बहना तेरे बच्चे आवाज दे रहे हैं। जवाब ज़ैनब सुनो, ऐसा ले सवाब करने वालों, जवाब ज़ैनब क्या है? ज़ैनब कह रही है, भैया राह खुदा में कुर्बान कर दी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी निगाहों के सामने रहे। जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला सुने ईसा अलैह सवाब के मजालिस पढ़ने वालों को, जिसको शौक है सुनो, जो करा रहे हैं वो भी सुनो। बना में शिया करा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ अल्लाह अकबर। हुसैन और मोहम्मद के लाशें लाए, और मोहम्मद के लाशें लाए। फितरत की आवाज़ है, बच्चों के लाशें पड़े हुए हैं तो माँ क्या करे? सरो सीना पीटे, रोए, गिरिया करे, मगर देखा ये गया और मोहम्मद के जब लाशें आए, ज़ैनब सजदा कर रही है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी खयामत की मंजिल है। अदाकारा ने मजलूम करबला, हाय शहजादी ज़ैनब कैद खाने शाम उम्मुल मसायब है ना, ज़ैनब को उम्मुल मसायब कहा गया। किसी और के लिए ये लफ्ज नहीं मिला उम्र मसायब, क्यों? करबला के वाकयात ही ज़ैनब देख रही है, करबला के वाकयात ही ज़ैनब अपनी निगाहों के सामने देख रही है। पर यही ज़ैनब है, अपनी निगाहों के सामने बच्चों को असीर देखी, यही ज़ैनब है अपनी निगाहों के सामने बहनों को सर बरहना रसन बस्ता देखी, फिर यही ज़ैनब है हाय अपने फर्जंद सैयद सज्जाद के गले में तौके खारदार उम्मुल मसायब है। अम्मल मसायब है ज़ैनब। हाय दरबार कूफा में जो मुसीबत है पड़ी है, वो ज़ैनब देख रही है। कूफे से शाम यही ज़ैनब मसायब देख रही। एक मंजिल ऐसी आई कि बीमार करबला के ख़दम को देखा ज़ैनब ने, अम्मल मसायब ने देखा, देखकर थरप गई ज़ैनब। आए सैयद सज्जाद के ख़दमों में छाले पड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह। ख़दमों में छाले पड़े हुए हैं और ज़ैनब ने चाहा बाबा को आवाज दूँ, याली करबला के दस्त में हुसैन ने अपने बाबा को आवाज दी थी। कब? जब अली अकबर के सीने में पर्ची पैवंत हो गई थी।
या अली कहकर शाम के मनाजिल को ज़ैनब तय कर रही है। जैसे ही ज़ैनब अपने बाबा को आवाज देना चाहती, सैयद सज्जाद ने पूछा, सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा क्या चाहती हो? फूफी अम्मा क्या आप बाबा को आवाज दे रही हो? छाले देखे नहीं जा रहे, ये जख्म देखा नहीं जा रहा। जवाब सैयद सज्जा, फूफी अम्मा बर्दाश्त कर लूंगा, ये छाले बर्दाश्त। हाय जब मैं माँ बहनों को जरा खल्ला बच्चन जुमले सहमत तमाम अदादारा ने मजलूम करबला उम्मुल मसायब है ज़ैनब, उम्मुल मसायब है ज़ैनब, कैसी कैसी मुसीबतें देख रही है ज़ैनब। यही ज़ैनब है, दरबारी शाम है, यजीद तख्त पर बैठा है, बीबियां असीर ठहराई गई है। हुसैन वक्त आखिर बच्चों को ज़ैनब के हवाले करे। अब ज़ैनब क्या करती, एक एक बच्चे पर निगाह रखती, सबको देखती है। इसी असना में ज़ैनब ने क्या देखा, सकीना के गले में रसन है, सकीना के गले में रसन है, शकी इस रसन को झटका दे रहा है। अल्लाह अल्लाह मर्तबा ज़ैनब सैयद सज्जाद सकीना के करीब आए और ज़ालिम से कहने लगे, अरे वो ज़ालिम कैसा जुल्म कर रहा है, कमसिन बच्चे गला बना हुआ। अल्लाह उम्र मसाइब शहजादी सकीना की शहादत सुनकर रोने वालों, अरे ये भी सकीना की मुसीबत है। सिर्फ सकीना की मुसीबत नहीं है बल्कि सकीना की मुसीबत, ज़ैनब की मुसीबत, सैयद सज्जाद की मुसीबत, रबाब की मुसीबत, हुसैन की मुसीबत, उम्मे कुलसूम की मुसीबत, सारे बीबियों के मसाइब है। सकीना पर जुल्म हो रहा है, उन पर मसाइब। अल्लाह यही सकीना है, भरा दरबार है। ए साहिबाने इज्जत और शराफ, ए अदादारो, अगर मैं तुमको गुलाम कह दूं तो सच बताओ इसका क्या असर होगा? तुम बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अगर गुलाम अली कह दूँ, गुलाम हुसैन कह दूँ तो खुश हो जाएंगे, अगर सिर्फ तुमको गुलाम कह दूँ तो बताओ क्या होगा? अरे बड़ा दरबार, हुसैन की बेटी, अली की पोतरी, रबाब की बेटी, ज़ैनब की भतीजी, बड़े दरबार में शकी आकर कह रहा है कनीजी में दो। ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा गया, वहीं ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन, आखिरी जुमला है शरीकतुल हुसैन। हुसैन ने औरों मोहम्मद के लाशें उठाए, औरों मोहम्मद के लाशें उठाए, खैमे में लाए, वहां मोहम्मद खैमे से उठाए, अरे गंज शहीदा, हाय ज़ैनब कैद खाने शाम में शरीकतुल हुसैन।